इसमें जो रेशो रखा गया था हमारा 16:12 का रीति खड़ी, ये देख सकते दीवाल। अब इधर ये जो प्लाउड निकले इसको ऑयल लगाएंगे और उसको भी इस दीवाल में ले लेंगे। ये देख सकते इतना फिनिशिंग में दीवाल लगा है, तो इसी तरह पूरा अपना दीवाल आने वाला है दोस्तों, देख सकते हैं। और बाद में इसके पाइप के जो झाकन को बाद में बुझा देंगे अपन, तो इस तरह ये पूरा फिनिशिंग में वर्क हो रहा है दोस्तों। आज इतना डेली काम हुआ है और कल बताएंगे आपको। ये फर्मा खोल के 4 बजे ये भर दिया है और कल जो काम होगा वो आपको बताएंगे। इस तरह से काम हुआ है, तो काफ़ी फिनिशिंग में दीवार हमारी आई है। हेलो व्यूअर्स, आज ये काम हुआ है, कॉर्नर हुआ है कल, और ये दीवार देख सकते हैं कितनी शार्प आई है, और ये कॉर्नर बाद में उभरेंगे। तो अब ये अगले टाइम क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस रह जा रहा है तो इसको डायरेक्ट यहाँ तक भर लेंगे, और बाद में यहाँ तक भर लेंगे और एक ही स्पेस रखेंगे। इसको बाहर के साइड से भी दिखाता हूँ किस तरह से काम हुआ है, देख सकते हैं इस तरह से काम हुआ है। तो धीरे धीरे हमारा घर आकार लेने लगा है, ये देख सकते हैं धीरे धीरे घर आकार लेने लगा है। इसमें मटेरियल अच्छा यूज करने पर अच्छा क्वालिटी आता है, और एक पीस लगता था इसमें का तो और अच्छा मीटर काम होता था, 1600 रुपये खर्चा आता था। ये भी 3000 का प्लाउड लाया है, ऐसा 2 फीट 4 फीट का और पीस लग रहा था एक, तो उसके लिए हमने घर से जो सीमेंट चौकट होती है वो लेके आए हैं, देख सकते हैं ये कॉर्नर भरने के लिए इस तरह की चौकट लेके आए हैं, ये देख सकते हैं ये सीमेंट की चौकट है, ये हमारा प्लाई का काम करेगी। इसको इस जगह से कट कर लेंगे और ये हिस्सा काम में लेंगे, और ये तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी आज जाना है कलर वर्क जमनवाड़ी के, और कल से आज हमारा कलर काम फाइनल हो जाएगा, तो कल से ज़्यादा ज़ोर शोर से काम चालू करेंगे। कल इधर बंद इधर बांधी करेंगे, ये गज की जो कटाई की हुई इधर इसमें बांधी करके इसका आड़ा भीम पूरा कम्प्लीट कर लेंगे, और उस तक चबूतरे तक कम्प्लीट कर लेंगे उसको, वो जगह तक कंप्लीट कर लेना है कल। आज ये हमारा बांधी हो गया होता तो ये पूरा कंप्लीट होके शाम तक उधर हो गया होता, तो ये कंप्लीट करने के बाद में उस ओटे को करेंगे और फिर बाद में ओटे की तरफ जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो व्यूअर्स, आज हम काम चालू कर रहे हैं, तो इस काम को चालू करने से पहले इसका कड़ी का कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। जैसा अब इस जगह तो इस जगह तक 10 फीट का डिस्टेंस है ना, उससे 8 फीट है, तो कड़ी कैसे निकालना है। अभी 10 एक एक फुट के लिए 10 फीट के लिए 10 कड़ा ले लेना है, और 10 का आधा होता है 5, तो 5 10 और 5 15 कड़ी इसमें लगेगी। तो अब इसका जैसे 8 फीट है तो इसमें 8 और 8 का आधा 4, तो 8 और 4 12, इस तरह से कैलकुलेशन करके आपको लगा देना है, तो इसमें 12 कड़ी लगेगी। इस तरह ये फार्मूला होता है, आप 6 इंच पे भी डाल सकते हैं, 7 पे डाल सकते हैं, और मैं बताया उस फार्मूला से काफ़ी इजी हो जाता है। जैसे 10 में अभी 15 डालेंगे, 8 में 14 डालेंगे, तो इस तरह आपको ये फार्मूला यूज करना है। तो आज के लिए काम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो अभी कड़ी बांधेंगे इसको जब भी फर्मा लगाएंगे। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं अभी 5-5 इंच पे हम मार्किंग कर रहे हैं, 5-5 इंच के ऊपर अभी पूरा मार्किंग कर लेना है। जो 15 mm का पाइप आता है
बस यो 15 mm का पाइप है, देख सकते हैं इस जगह, देख सकते हैं 15 mm है। तो ये 15 mm का सुप्रीम का पाइप है और इसको अभी रख। हेलो दोस्तों, आज देख सकते हैं आज इतना काम हुआ है, आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस जगह चौकट बैठेगी आगे ओटे के लिए है और इस चौकट के लिए फ्रेम बना के रखा है, तो आज इस जगह फ्रेम डालेंगे और चौकट खड़ा करना है 3 फीट का, 3x6। तो आज उसका मेजरमेंट देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज देख सकते हैं आज इतना काम हुआ है, आज इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस जगह चौकट बैठेगी आगे ओटे के लिए है और इस चौकट के लिए फ्रेम बना के रखा है, तो आज इस जगह फ्रेम डालेंगे और चौकट खड़ा करना है 3 फीट का, 3x6। तो आज उसका मेजरमेंट देखेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं अभी चौकट खड़ा कर दिया है, ये पूरा चौकट खड़ा हो चुका है हमारा। और अभी इसको निकाला है, जो फर्मा को निकाला है अभी भर के, तो इससे चौकट फिट हो जाता है। तो अभी इस जगह विंडो आएगा 3 फीट का, वो जो विंडो देख रहे लोहे की, या इस जगह आएगी दरवाजे के सामने। तो इस जगह उसको विंडो को लेंगे और अभी चौकट खड़ी हो चुकी है, तो इसको आगे अभी इसको एक कॉलम को भर लेंगे जो चौकट के पास आ रहा है नज़दीक, इस हिस्से को भर लेंगे पूरा, तो इससे चौकट थोड़ा जाम हो जाएगा। और ये 6.5 फीट के करीब करीब चौकट है, तो इसको पूरा आप लोग को 9 फीट लेना है नीचे से ऊपर तक, पूरा इसमें 8-8.5 फीट पे पत्थर आएंगे और 1 फीट ऊपर आएगा, 1.5 फीट ऊपर ले सकते हैं, बताऊँगा आपको टाइम पे कितना फिट लेना है। 9.5 फीट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं।